महिलांनी निर्माण केलेल्या कलाकुसरीच्या प्रदर्शनाला आमदार सुमनताई म्हात्रे यांनी भेट देत जागतिक महिला दिन साजरा केला. वाशी येथील टुंग हॉटेलमध्ये जागतिक महिला दिनानिमित्त स्त्री निर्मित विविध वस्तूंचे स्टॉल या ठिकाणी दिसून आले. विविध कलाकुसर केलेल्या वस्तूंनी हे प्रदर्शन आकर्षक दिसत होते. या प्रदर्शनाला भेट दिली ती बेलापूरचे आमदार सुमनताई म्हात्रे यांनी. त्याप्रसंगी त्यांचा सत्कार करण्यात आला. स्त्री ही शक्तीचं रूप आहे, तिचं गुणगान करण्यासाठी एक दिवस पुरेसा नाही, त्यासाठी दररोज महिला दिन असावा असं म्हणत त्यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केलं. की जागतिक महिला दिन के अवसर पे हम सब मिल रही है, तो मैंने सबका सुना, बहुत खुश हूँ मैं कि हर लेडीज में कुछ ना कुछ टैलेंट है और अपने बलबूते पे वो खड़ी है. मुझे सुहासिनी को बहुत धन्यवाद देना है और उसके सभी साथियों को कि हर साल वो मुझे बुलाती है. हमें कुछ भी हमारे में कम नहीं है. हमारे खाली हमारी जो माँ थी, माँ में जो शक्ति थी, हम माँ बनते हैं तो 9 महीने बच्चों को हम पेट में रखते हैं, उसकी डिलीवरी के टाइम बहुत सारी वेदना होती है और हम बच्चों को जन्म देते हैं. तो स्त्री शक्ति पहले से ही बहुत महान है. तो ये जागतिक दिन महिला दिन हर रोज होना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि हम रोज मिलते रहे. कितनी शक्ति है देखो. मैंने जब भी सब महिला आके अपने बिजनेस के बारे में अपने बारे में बता रही थी तो मुझे खुशी है कि आप लोग ने मुझे और देखकर एक स्त्री को यहाँ पर खड़ा किया हुआ है न्यू बॉम्बे में. और ऐसी अच्छी गैदरिंग न्यू बॉम्बे में नहीं होती है, ये भी मैं आपको बताती हूँ. आपने देखा होगा कि पहले माता दुर्गा से लेकर हम सावित्री बाई फुले से लेकर जिदा माता से लेकर बहुत सारी महिला ने योगदान दिया है. चाहे वो झांसी की रानी, आपको मालूम नहीं छोटे बच्चों को लेकर मैदान में, महिलाओं ने हमेशा योगदान दिया है. और मुझे लगता है नवरुम्बे में महिला बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बन सकता है. और सुहासिनी है तब तक ये सब हमको मिलती रहने वाली है. सुहासिनी को बहुत सुहासिनी के लिए एक बार खाली बताइए. और काफी आनंद जी बहुत खड़ी थी. अच्छा लगा मुझे कि हम हर क्षेत्र में फिर अपने आप को हम क्यों कमजोर समझते हैं. मुझे लगता है कई कई महिलाएं ना थोड़ा कुछ नर्वस आजकल ज्यादा होती है, डिप्रेशन बहुत जल्दी आता है. तो मुझे लगता है हम कोशिश करते रहना चाहिए. अगर हम कोई भी बिजनेस में अगर फेल गए तो नर्वस नहीं होना चाहिए, उठकर हम आगे वापस कोशिश करने चाहिए. और ऐसे ही सुहासिनी आप प्रोग्राम करते रहो, हमारे तरफ से भी कभी किसी को दिया करो. ऐसे नेक्स्ट टाइम का भी मेरे तरफ से सब महिला को आप रखो, क्योंकि मुझे भी कुछ खुशी होगी कि जो महिला अपने क्षेत्र में आगे जाना चाहती है उसको प्रोत्साहन करना बहुत जरूरी है. धन्यवाद. जय जय. हा कार्यक्रम आयोजित करणाऱ्या सुहासिनी मॅडम यांच्या उपस्थितीत अतिशय उत्साहपूर्ण वातावरणात हा कार्यक्रम संपन्न झाला. व्हिडिओ जर्नलिस्ट सूरज कांबळे, MPTV News.